एक फिरकी भी नहीं कहीं रोड पर मिलेगा, उसको पूरे इंडिया में सुरक्षा के क्षेत्र में पहला नंबर मिला है, रैंक वन मिला है उसको, इसलिए वहां कहीं गंदगी नहीं मिलता है। तो हम लोग लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत आज पटना जिले के मनेड ब्लॉक के बांक पंचायत में 30 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई। सफाई कर्मी डोर टू डोर कचरा उठाव का काम करेंगे। कचरा उठाने के लिए दी गई ठेला गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर मुखिया आशा देवी, जिला परिषद प्रतिनिधि प्रेम यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने रवाना किया। साथ ही साथ ग्रामीणों के बीच सूखा और गीला कचरा को अलग प्रबंधन के लिए डस्टबिन का वितरण किया गया। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बांक मुखिया आशा देवी और जिला परिषद प्रतिनिधि प्रेम यादव। हमने अपना गांव का सुंदर और स्वस्थ गांव बनाना चाहते हैं। इसमें लोहिया कर्मियों भाई ने हम लोग का पूरे कदम में कदम मिला के सहयोग दे रहे हैं और आज RTPS का भी उद्घाटन हुआ है। माँ बहन ने दूरी पर जाके बनाना होता था, इसलिए हम लोग भिड़ी नगीचे में यहाँ पंचायत भवन में बैठका बनाए हैं। आज हम लोग के पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान चल का जो भी उद्घाटन था वो सरकारी योजना के थ्रू हुआ, जो कि हमारे पंचायत का स्वच्छ अभियान चलाने के लिए हर घर में एक सूखा और एक गीला डस्टबिन दिया गया और जो भी कर्मचारी हैं उन्हें भी नियुक्त किया गया कि जो वार्ड बाय वार्ड हर एक ठेला के द्वारा अपने हर वार्ड में कचरा उठाएं और लोगों को जागरूक करें कि भाई अब सारे जगह शहर में स्वच्छता अभियान चलता आया है और हमारे गांव में भी ये अभियान चल रहा है।